प्रभु का वचन खोलकर उसका पाठ करने से पहले आइए हम प्रार्थना करें। हमारे आसमानी पिता, आपने आज हमको ये जो मौका दिया है इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। आज शाम को इस तरह से सत्संग के लिए एकत्रित होकर आपकी स्तुति और आराधना के लिए आपने हमको जो मौका दिया उसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे भाई जिन्होंने गाने में हमारी अगुवाई की, उन्होंने हम सबके दिल को उत्साह के साथ भर दिया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। ये आपकी अगुवाई है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। अभी जब हम आपके वचन को खोलकर पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनने के इंतजार में बैठे हुए हैं, तब हमारी विनती है कि आज प्रभु हमारे दिलों को खोलकर अपना वचन हमको दें, जिससे कि हम आत्मिक जीवन में आवश्यक उत्साह और आत्मिक भोजन पा सकें। क्योंकि धन्यवाद के साथ ये सारी बातें अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु के वचन का अध्ययन करना हम सबके जीवन में एक बड़ी धन्य बात है। बाकी दुनिया की बातें जो हैं उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठे और सुबह से शाम तक हम दुनिया का ही तो काम करते हैं, दुनिया की ही तो बातें करते हैं। लेकिन ये हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है कि हम अपने व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय निकालकर प्रभु के वचन पर ध्यान करें। जब मैं कहता हूँ थोड़ा समय निकालकर, तो आप उसकी व्याख्या ये ना करें कि वह शास्त्री सर कह रहे थे कि प्रभु के लिए जरा सा समय देना पर्याप्त है। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु का वचन सीखने के लिए, प्रभु के वचन पर ध्यान करने के लिए हर दिन समय निकालना चाहिए और हर दिन प्रभु के वचन का ध्यान करना चाहिए। इसके अलावा जिस तरह से हम इन दिनों कर रहे हैं, इस तरह से बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से प्रभु के वचन का अध्ययन भी करना है। और इसी उद्देश्य के साथ हमने रोमियो नामक पुस्तक का अध्ययन चालू किया था, और पिछले हफ्ते अपन लोग नवें अध्याय तक आ गए थे। आज हम रोमियो की पत्री 10वां अध्याय खोलेंगे। और जैसा मैंने इसके पहले आपको याद दिलाया, इसमें से हर अध्याय का बहुत गहन अध्ययन नहीं कर रहे हैं हम, बल्कि इन अध्यायों में से फर्स्ट राउंड में, मतलब पहली बार जब हम अध्ययन करते हैं तब हमको उसमें से जो मिलना है ऐसी बातों का हम अध्ययन कर रहे हैं। 10वें अध्याय में भी हम इस तरह की एक दो बातें देखते हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ। 10वें अध्याय के 14वें पद में हम एक विशेष बात देखते हैं, रोमियो की पत्री 10:14, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यदि सच्चाई हम जान नहीं सके हैं, कौन सी सच्चाई? यह सच्चाई कि मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए प्रभु यीशु इस संसार में पधारे थे, इस सच्चाई को यदि हम नहीं जानते तो सच्चाई पर हम विश्वास नहीं कर पाते। क्योंकि जिस चीज़ को हम जानते हैं सिर्फ उसी पर विश्वास कर सकते हैं। इसीलिए 14वें अध्याय में लिखा है, जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया उसका नाम कैसे लें, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें। मैंने दूसरा वाक्य पहले पढ़ा था। एक विशेष प्रश्न जो हम में से हर व्यक्ति को अपने आप से आज पूछना चाहिए। आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं, इनमें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ऑलरेडी ग्रहण किया है, ठीक है। हम में से जिन्होंने भी प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया है, ऐसा हर व्यक्ति ये चाहता है कि दूसरे लोग भी इस संदेश को सुने। क्यों? वही तो प्रभु का वचन कहता है, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें। मान लीजिए कि हमको भोजन की ज़रूरत है,
और कहीं पर भोजन बट रहा है और वहाँ ये लिखा हुआ है कि जिस जिस व्यक्ति को यहाँ पर जो दिया जा रहा है उसमें से जिस जिस वस्तु की जितनी जरूरत है उतना वो यहाँ से आकर ले ले। मान के चलिए कल आपके गांव में इस तरह का कोई बोर्ड लगा है एक दुकान के ऊपर, इस गांव में जिस व्यक्ति को जिस चीज की भी जरूरत है वो यहाँ आकर जितनी मात्रा में उसको चाहिए वो ले जाए, तो इस तरह से सूचना मिलने पर आप अपने घर बैठे रहेंगे क्या? नहीं, भोजन तो हर व्यक्ति को चाहिए, भोजन वस्तु हर व्यक्ति को चाहिए। और यदि कोई व्यक्ति उदारता से भोजन वस्तु यदि आपको दे रहा है और जितनी भोजन वस्तु आपको चाहिए उतनी भोजन वस्तु दे रहा है, विविध प्रकार की चीज़ें दे रहा है, तो कोई भी व्यक्ति घर नहीं बैठे रहेगा अपन, बल्कि जनता वहाँ पर टूट पड़ेगी, इस बात को हम जानते हैं। लेकिन जब तक जो व्यक्ति बांट रहा है, मतलब जिसके पास देने के लिए है, वो व्यक्ति जब तक दूसरों को बताएगा नहीं तब तक दूसरों को कैसे पता चलेगा? यही है यहाँ पर जो लिखा है कि जिसके विषय में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करे, का मतलब है कि जिस तरह से एक व्यक्ति सारे गांव वालों को उनकी ज़रूरत के अनुसार हर तरह की भोजन वस्तु बांटना चाहता है, सिर्फ ये शर्त है कि भैया आओ और ले जाओ, उसी तरह से इस विश्व के रचयिता प्रभु ने हर मनुष्य के सामने यह प्रस्ताव रखा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुझे एक नए जीवन की ज़रूरत है, उस नए जीवन के लिए मैंने रास्ता खोल दिया है, अब सिर्फ एक काम करने की ज़रूरत है, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे या बेटी, तू यहाँ आ जा और इस नए जीवन को प्राप्त कर ले। प्रभु का वचन कहता है कि यदि इस बात को लोगों ने सुना नहीं तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे? मान लीजिए दुकानदार दुकान में हर चीज़ हर व्यक्ति को उसकी इच्छा के अनुसार या उसकी ज़रूरत के अनुसार देने को तैयार है, लेकिन दुकान पर बाकायदे इसकी सूचना नहीं लगाएगा तो लोगों को कैसे पता चलेगा? उसी तरह से प्रभु का ये जो वचन है, प्रभु की ये वाणी है कि मेरे बच्चे तुझे नए जीवन की ज़रूरत है, वो नया जीवन मैं तुझे एक गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में दे रहा हूँ, आ ले जा और दूसरों को भी सूचना दे। तो प्रभु का वचन कहता है कि जिसके बारे में उन्होंने सुना ही नहीं है उस पर कैसे विश्वास करें, का मतलब है प्रभु का ये जो संदेश है, ये जो दिव्य संदेश है, यदि लोग इस संदेश को ना सुने तो फिर उस संदेश में जो सच्चाई है उसको कैसे जानेंगे? आप पूछेंगे शास्त्री सर आपका कहने का मतलब क्या है? देखिए, मेरे कहने का मतलब वही है जो प्रभु का वचन कह रहा है, और वो यह है कि आज इस सभा में जितने लोग बैठे हैं इनमें से कई लोगों ने अपने गांवों से, अपने शहरों से हजारों किलोमीटर दूर यात्रा करके यहाँ जो नौकरी के लिए आए हैं, नौकरी के साथ साथ इस सत्संग में आना शुरू किया, और इस सत्संग में आकर उन्होंने प्रभु यीशु का ये संदेश सुना कि मैं तुमको नया जीवन दूंगा, मुझ पर विश्वास लाओ, और ये प्रभु की वाणी सुनकर उन्होंने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। प्रभु के वचन के कहने का मतलब ये है कि मुक्ति का ये संदेश जो आपने सुना और जिस संदेश के द्वारा आपको इस नए जीवन की प्राप्ति हुई या ये नया जीवन प्राप्त हुआ, जब तक आपके परिवार के अन्य लोग, आपके नाते रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके संगी, आपके समाज के लोग जब तक ये संदेश नहीं सुनेंगे तब तक वे लोग इस नए जीवन को नहीं पा सकेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति पाई है, जो नया जीवन पाया है, जो शाश्वत जीवन पाया है, जो कभी समाप्त ना होने वाला जीवन पाया है, उस नए जीवन के बारे में दूसरों को बताएं। देखिए, छोटी छोटी बातें हम एक दूसरे को बताते हैं, बताते हैं या नहीं बताते हैं? यदि किसी जगह खान पान की सामग्री
किसी जिन दुकानों से आप लेते हैं उन दुकानों से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, उससे भी उत्तम खान पान का सामान उससे भी सस्ता मिल रहा हो, या उसी कीमत पर उससे उत्तम क्वालिटी मिल रही हो, तो आप अपने दोस्तों को, नाते रिश्तेदारों को बताएंगे या नहीं बताएंगे? ज़रूर बताएंगे, क्योंकि हम में से हर व्यक्ति ये चाहता है कि जो उत्तम चीज़ हमको मिली है वो हमारे नाते रिश्तेदारों, परिवार के लोगों और दोस्तों को मिले। तो प्रभु का वचन ये पूछता है कि मेरे बेटे, मेरी बेटी, तुमने मुझ पर विश्वास किया और उस विश्वास के द्वारा तुमको एक नया जीवन मिला, मुक्ति मिली, शाश्वत जीवन मिला। इस संदेश के बारे में, इस संदेश को यदि तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारे भाई बहन, तुम्हारे बेटे बेटी, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे पति, तुम्हारे गांव वाले यदि नहीं सुनेंगे तो उनको इसका फायदा नहीं मिलेगा। जब कोई चीज़ दी जा रही है और उसको हम जबरदस्ती अपने पास छुपा कर रखते हैं तो ये ईश्वर के सामने एक अपराध है। तो रोमियो की पत्री 10वां अध्याय हमको बहुत सारी बातें बताता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु के द्वारा शाश्वत जीवन जो हर व्यक्ति को दिया जा रहा है, यदि उसके बारे में दूसरों को ना बताया जाए तो उन लोगों को ये शाश्वत जीवन नहीं मिल सकता है, और यदि उनको ये शाश्वत जीवन नहीं मिलता है तो गलती किसकी है, उनकी है या मेरी आपकी है? गलती मेरी आपकी है, भाई उन्होंने उस शाश्वत जीवन को इसलिए नहीं पाया कि उनको उसके बारे में जानकारी नहीं थी। और उनको जानकारी क्यों नहीं हुई? इसलिए कि जिनके पास ये ज्ञान है उस ज्ञान को वो लोग छुपाए हुए हैं। एक बात बताइए, मान लीजिए रात को गांव में कम से कम 20-25 लोगों को किसी जगह बहुत ज़रूरी जाना है और कच्चे संकरे रास्ते पर लोग जा रहे हैं, मान लीजिए ऐसा रास्ता है जहां बिजली नहीं है, और ये मान लीजिए कि आपके पास एक शक्तिशाली टॉर्च है, आपको क्या करना चाहिए? यह आपकी जिम्मेदारी है कि टॉर्च की रोशनी इस तरह से आप डालें जिससे कि बाकी लोग भी रास्ता देख सकें। और यदि मान लीजिए कि आप जेब से एक रूमाल निकाल कर उस टॉर्च को ऐसा कवर कर लेते हैं कि बस रोशनी सिर्फ आप ही आपको दिखाई दे रही है, आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या? नहीं, ये तो बड़ा अपराध है। और आपके साथ के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे? अरे ये आदमी तो बहुत बुद्धिमान है और सबकी मदद करता है और सबकी परेशानी के बारे में बहुत मदद करता है, इसलिए लुका छुपा के वो टॉर्च की रोशनी सिर्फ इतनी सी डाल रहा है कि वो देख सके और बाकी सब अंधेरे में चले, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं। हम सामान्य जीवन में इन बातों को जानते हैं। देखिए, मैं भी एक गांव में पैदा हुआ था, वहां बिजली नहीं थी, वहां तो वो लोग क्या करते थे, नारियल के ये जो पत्ते हैं ना, इसको यूं लंबा बांध लेते थे और उसको एक सिरे से जला लेते थे, वो उसकी भी एक कला है, वो वही लोग जानते हैं जो ये करते थे। और वो यूं 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 करते हुए एक आदमी आगे जाता था जिससे कि वो जलता जाए, और पीछे के लोग उस रोशनी में आगे बढ़ते थे। मुझे अभी भी याद है, अपने बचपन में मैं इस तरह से कई बार गांव में प्रेयर मीटिंग के लिए जाता था, और प्रार्थना सभा के बाद जब वापस आते थे तब भी इसी तरह से जलाते हुए एक आदमी आगे जाता था, बाकी लोग उसकी रोशनी में जाते थे। इवन MSc पास करने के बाद मैं केरल के कुछ गांव में जब रात को जाता था तो उस समय टॉर्च वगैरह नहीं थे इसी तरह से, और एक व्यक्ति जो आगे जाता था सबको दिखा के जाता था। आजकल सब जगह रोशनी हो गई है, इसलिए इन बातों की बहुत बड़ी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हिंदुस्तान के कई गांवों में ऐसी स्थिति आती है जब सब जगह अंधेरा होता है, उस समय जिसके पास रोशनी है उसकी जिम्मेदारी है कि दूसरे लोगों को ठोकर खाने से बचाए, गड्ढे में गिरने से बचाए, और सांप और अन्य जानवरों से उनका बचाव करे, इसलिए सबको रोशनी दिखाता हुआ जाए। तो आज शाम को मैं आपसे एक प्रश्न फिर से पूछना चाहता हूँ। आपने प्रभु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया, आप इस बात को जानते हैं कि आप सदा सर्वदा के लिए जो मृत्यु है
जो आत्मिक मृत्यु है उससे बच गए हैं। आप इस बात को भी जानते हैं कि सदा सर्वदा के लिए जो आत्मिक मृत्यु है उससे बचने के लिए आपने कुछ नहीं किया, बल्कि सब कुछ प्रभु ने किया। प्रभु ने सूली पर बलिदान दिया, प्रभु ने सूली पर रास्ता खोला, और इस तरह से रास्ता खोलकर वो रास्ता आपके सामने रखा। प्रभु ने कहा, हे सब थके हुए और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा। ये प्रभु यीशु की वाणी है जो प्रभु ने बोली थी, ये जब वो पृथ्वी पर थे। तो जब प्रभु कह रहे हैं, हे सब थके हुए बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुमको विश्राम दूंगा, तो जो व्यक्ति प्रभु के पास जाकर प्रभु से विश्राम पा चुका है, अब उसकी क्या जिम्मेदारी है? उसकी जिम्मेदारी है कि वो दूसरों को यह सुनाए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है, जिसके विषय में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें। यदि उन लोगों ने नहीं सुना तो वो लोग प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे। उसकी जिम्मेदारी आपकी और मेरी है कि हमने ये शुभ संदेश उनको नहीं सुनाया। पिछले 9 अध्यायों में हम प्रभु यीशु के द्वारा हमको जो नया जीवन मिलता है, जो मुक्ति मिलती है, उसका अध्ययन किया। आज 10वां अध्याय हमसे ये प्रश्न पूछता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी, तुमने ये जो पाया है इसके बारे में तुमने लोगों को बताया क्या? हम सब छुट्टियों में घर जाएंगे, है ना? छुट्टियों में घर जाकर, घर बार में जाकर लोगों से मिलना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो जब आप इस बार घर जाएंगे तो इस बात को याद रखें, ये संदेश सबको सुनाना है। उसके लिए आवश्यक पुस्तक यहाँ से ले लें, आवश्यक पर्चे यहाँ से ले लें, आवश्यक CD या DVD यहाँ से ले लें, आवश्यक मेमोरी चिप ले लें, ले जाकर लोगों को दीजिए, उनको ये संदेश सुनने दीजिए, जिससे कि वे प्रभु यीशु के द्वारा जो मुक्ति है उस मुक्ति के बारे में जान सके। एक और उसके बाद आगे एक बात प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जो हमको सुनना चाहिए, वो यह है कि प्रचारक बिना कैसे सुने। मतलब जब तक कोई व्यक्ति जाकर घोषणा नहीं करेगा तब तक उन लोगों को इसके बारे में क्या खबर मिलेगी। तो आज शाम को जो मुख्य बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि हमने प्रभु यीशु के द्वारा जो नया जीवन, नई शांति और मुक्ति पाई है, उसके बारे में दूसरों को बताना हमारी जिम्मेदारी। आप कहेंगे, शास्त्री सर, ये जो नया जीवन है, ये जो मुक्ति है, इसके बारे में एक बार और आप याद दिला सकेंगे कि? क्यों नहीं, ये याद दिलाने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ। यहाँ 9वें पद में हम देखते हैं वो संदेश, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यह वो संदेश जो मैंने और आपने सुना, जिसके द्वारा मैंने और आपने नया जीवन पाया, जो मुझे और आपको दूसरों के सामने ले जाकर प्रस्तुत करना है। ये बहुत संक्षेप में बताया गया है, इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से यदि आपको बोलूं तो 4 या 5 स्टेप में मैं इस बात को विस्तार से आपके सामने पेश कर सकता हूँ। पहली बात, प्रभु ने मनुष्य की सृष्टि नाश होने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु के साथ सदा सर्वदा संगति में रहने के लिए मनुष्य की सृष्टि की थी। 2, लेकिन अपने पाप के कारण, अपने उल्लंघन के कारण मनुष्य ने ईश्वर से अपना जो संबंध है उसको तोड़ दिया। जिस व्यक्ति ने भी ईश्वर से संबंध तोड़ दिया है वो सदा सर्वदा के लिए नरक में जाएगा। इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका संबंध टूटा हुआ नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, सब ने पाप किया है। इसी पुस्तक के 3:23 में लिखा है, सब ने पाप किया है और प्रभु के साथ उसका जो संबंध है उस संबंध से टूटा हुआ है। 4 प्रभु इस संसार में इसलिए पधारे जिससे कि वो टूटा हुआ संबंध हमको वापस मिल सके। 5 उस टूटे हुए संबंध को जोड़ने के लिए, पापियों को नया जीवन और मुक्ति देने के लिए प्रभु ने सूली पर अपना जीवन दिया। 6 जो अभी हमने पढ़ा, इस संदेश को सुनकर
यदि कोई व्यक्ति प्रभु से कहता है, प्रभु मैं इस बात को समझ गया हूँ कि आपने मेरे लिए अपना बलिदान दिया, आज मैं उस बलिदान को स्वीकार करता हूँ और आपको मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण करता हूँ। जब कोई व्यक्ति इस तरह से प्रभु के सामने बोलता है कि हे प्रभु मैं आपको अंगीकार करता हूँ, मैं आपको मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ, उस क्षण एक सेकंड के हजारवें भाग भी देर किए बिना उसी क्षण प्रभु आपको पाप से छुटकारा और ये नया जीवन और ये मुक्ति प्रदान करेंगे। ये है रोमियो की पत्री 10वें अध्याय का संदेश। आप कहेंगे कि शास्त्री सर आप ये कैसे कह सकते हैं कि इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है। देखिए 10वें अध्याय का पहला पद क्या कहता है, हे मेरे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए, मतलब वो अपने लोगों के बारे में कह रहा है, उनके लिए प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, वे मुक्ति पाएं। प्रभु के महान दास पौलुस नाम के व्यक्ति ने इस पत्री की रचना की थी। पौलुस एक विशेष कौम से आया था, उस कौम के बारे में कहता है, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मैं जिस कौम से आया हूँ उसके लोगों के बारे में मेरे मन की अभिलाषा और मेरी प्रार्थना है कि वे लोग उद्धार पाएं या मुक्ति पाएं। यहाँ मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ। आप में से कई लोगों ने इस नए जीवन को पाया, इस नए जीवन की खुशी के साथ आप जी रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने भाइयों बहनों परिवारजनों दोस्त मित्रादिगणों और आपके गांव के लोगों के लिए क्या आपने कभी प्रार्थना की कि हे प्रभु ये संदेश सुनने के लिए प्रभु यीशु के द्वारा मुक्ति पाने के लिए आपने मेरी मदद की, लेकिन हे मेरे प्रभु मेरे परिवार के कितने ही लोग हैं जिन्होंने इस संदेश को आज तक नहीं सुना है, मेरे दोस्तों नाते रिश्तेदारों में से कई लोगों ने इस संदेश को नहीं सुना, और प्रभु मेरे गांव में जो हजारों लोग हैं उन्होंने इस संदेश को नहीं सुना, इसलिए प्रभु मेरी याचना है कि यह संदेश वे लोग सुन सकें। यहां लिखा हुआ है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं, जिस प्रभु के दास ने प्रभु के द्वारा ये नए जीवन पाया था वे प्रार्थना कर रहे हैं। उसी तरह से ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम, मैं, आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप कहेंगे कि शास्त्री सर प्रार्थना से क्या होगा, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तभी तो प्रभु आपको रास्ता दिखाएंगे। सी दूसरों को, मतलब अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने गांव वालों को प्रभु का यह संदेश देना, यह हर व्यक्ति एक तरीके से नहीं करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है। तो ये कैसे करना है ये कौन आपको बताएगा, कौन मुझे बताएगा, प्रभु बताएंगे। लेकिन यदि आप प्रभु के सामने बैठकर प्रभु से विनती और याचना नहीं करेंगे तो प्रभु आपको कैसे बताएंगे। ये है इस, ये जो श्लोक अभी हमने पढ़ा था, इसका मतलब कि मेरी याचना है प्रभु से कि प्रभु मेरे लोग किसी न किसी तरह से नया जीवन पाएं। इसी तरह से आप में से हर व्यक्ति की प्रार्थना यही होनी चाहिए कि हे प्रभु मेरे लोग इस नए जीवन को पाएं। मैं जब 5 साल का था तब मैंने प्रभु यीशु को मुक्तिदाता के रूप में ग्रहण किया। मेरे पिताजी ने यह संदेश मुझे दिया था। उसके बाद पिताजी का पहला उपदेश यह था कि बेटा तुम जाकर यह तुमने जीवन में जो खुशी पाई है यह अपने दोस्तों को बताना। मेरे साथियों को बड़े उत्साह के साथ मैं सुनाने लगा। उनको कौन सुनाएगा, मेरे फादर स्कूल आके पहली क्लास में तो बैठ नहीं सकते। पहली क्लास में जो व्यक्ति है जिसने इस नए जीवन को पाया ये उसकी जिम्मेदारी है कि पहली क्लास के बच्चों को सुनाए। जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपने साथियों को ये संदेश सुनाया करता था। पिताजी घर से कॉलेज में आके तो संदेश सुना नहीं सकते थे, आ भी जाते तो उनका क्लास में घुसने कौन देता। उसके बाद जब मैंने MSc की तो वहाँ पर भी यह संदेश सुनाया। यदि मेरे फादर जिन्होंने ये संदेश मुझे सुनाया
वे आकर वहाँ सुनाने देते तो वहाँ अंदर तो कोई घुसने ही नहीं देता, वहाँ तो या तो वहाँ के जो टीचर्स हैं या जो विद्यार्थी हैं वही अंदर आ सकते हैं, प्रवेश कर सकते हैं। उसी तरह से मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आपके गांव में जाकर ये संदेश कौन सुनाएगा? मैं तो आ नहीं सकता, अब मेरी ये उम्र हो गई है कि एक सीमा से ज़्यादा चल फिर नहीं सकता, और यदि मुझे जाकर यह संदेश सुनने का मौका मिलेगा तो मैं आपके गांव में थोड़ी आऊँगा, मैं तो उस गांव में जाऊँगा जहाँ मैं बड़ा हुआ था, चंबल के गांव में जाऊँगा जहाँ की भाषा मेरी भाषा है, जहाँ के लोग मेरे अपने लोग हैं, जहाँ का भोजन और वस्त्र मेरा अपना है। आपके गांव में जाना आपकी जिम्मेदारी है, एक व्यक्ति सब जगह नहीं जा सकता है। तो जैसा मैंने कहा, आप कहें शास्त्री सर चलिए हमारे गांव में सुना आते हैं, भैया आपके गांव में आप सुनाएंगे, जैसा मैंने कहा यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार, अपने नाते रिश्तेदार अपने गांव में जाकर सुनाए। इस कारण आज मैं एक बात फिर से याद दिलाना चाहता हूँ, इस सभा में जितने लोगों ने भी प्रभु यीशु के द्वारा ये नया जीवन पाया है, याद रखें आपने पा लिया उसके बाद उसके बारे में लुका छुपा के चलना नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके गांव में जाकर उस गांव के बच्चे बच्चे को ये संदेश दें, बेटा बेटी तुमको एक नए जीवन की जरूरत है, प्रभु यीशु ये नया जीवन तुमको देंगे। आप कहेंगे शास्त्री सर ये बात कैसे लोगों से कह सकते हैं, शर्म आती है। अच्छा शर्म आती है, एक बात तो बताइए, मान लीजिए कल को आप ऐसे ही शाम को बैठे गपशप कर रहे हैं और कोई आदमी आके कहता है कि भैया एक लॉटरी का टिकट खरीदो, आप कहें कि भाई लॉटरी तो जुआ है और इसलिए मैं तो नहीं खरीदता, और वो कहे आपके सामने गिर के कहे कि भैया आपने शायद नोट नहीं किया मैं लंगड़ा हूँ या लूला हूँ या आँख से ऑलमोस्ट अंधा हूँ और इस कारण मेरी रोजी रोटी के लिए और कोई रास्ता नहीं है और इसलिए आप मुझसे एक टिकट खरीद लें तो बड़ा उपकार होगा। मान लीजिए आपको लगता है कि चलो उसकी कुछ मदद हो जाए, आप 10 का नोट उसकी तरफ बढ़ाते हैं, भैया ये पैसा ले जाओ टिकट नहीं चाहिए, तो वो यदि कहे कि नहीं सर मैं तो भीख नहीं लेता, आप बाकायदा मैं तो नौकरी करके जीऊँगा और इसलिए आप बाकायदा मुझसे एक टिकट ले लीजिए, तो मान लीजिए आप 10 का एक टिकट ले लेते हैं या 20 का एक टिकट ले लेते हैं और उसको इधर उधर कहीं डाल देते हैं क्योंकि आपकी लॉटरी खरीदने की आदत नहीं है। 4 दिन के बाद उस लॉटरी के टिकट को टेबल पर पड़ा हुआ देखकर आपका कोई दोस्त उस टिकट को उठाकर अखबार में देखता है और पता चलता है कि 20 करोड़ का इनाम आया निकला है उस टिकट पे, आप क्या करेंगे? आप क्या आप ये कहेंगे कि तुम ले जाओ मुझे नहीं चाहिए? अरे इवन जो बुद्धिहीन है वो कहेगा कि अच्छा टिकट दिखाना मैं भी देखूं, और जब आप देख लेते हैं कि आपकी लॉटरी निकल आई है तो वो टिकट आप उसको दे देंगे, आप अपनी जेब में डालेंगे, पैसा आपका है टिकट आपका है आप अपनी जेब में डालेंगे। अच्छा जेब में डाल के चुपचाप मुंह के ऊपर टेप चिपका के सब जगह घूमेंगे क्या? नहीं, यदि 20 करोड़ की लॉटरी निकली है और वो भी जाने अनजाने में, तो आप कम से कम 10 लोगों को बताएंगे कि आओ आज तो पार्टी हो जाए। तो मेरा सवाल यह है कि संसार की चीजें यदि हमको, इवन जिस चीज को हम लेना नहीं चाहते वो यदि आकस्मिक रूप से हमको मिल जाए तो हम कम से कम 50 लोगों को उसके बारे में बताते हैं। आपको वो दिन याद है क्या जब आपका रिजल्ट आया था स्कूल का, 10वीं का, 11वीं का, 12वीं का, पास हो गए, आपने ये बात छुपा कर रखी थी क्या? अपने माँ बाप से आपने ये बोला था क्या, किसी को बताना नहीं, अरे किसी को बताना नहीं कि मैं पास हो गया? अरे जब कोई एग्ज़ाम में पास हो जाता है तो सारी दुनिया को बताता है। मैंने भी पास किया है, मैंने भी 5वीं पास की है, 10वीं पास की है, उस समय सिर्फ 11वीं होती थी, 11वीं पास की है, BSc पास किया है, और जब जब रिजल्ट निकलता था तो बाकायदा दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता था जिससे लोग पूछें
अरे तेरा तो रिजल्ट आया होगा, तू पास हो गया क्या? दरवाजे पे इसलिए खड़ा रहता था कि लोग पूछें तो मैं बताऊं हाँ हाँ पास हो गया, फर्स्ट क्लास आया है। कौन ऐसी बातों को छुपा कर रखता है? सांसारिक बातों में जब हमको खुशी मिलती है तो उसको हम छुपा कर नहीं रखते, तो शाश्वत जीवन जब हमको मिला है उसको छुपा कर नहीं रखना है, वो दूसरों को ये बात हमें बतानी चाहिए। तो आज हमने प्रभु के वचन से तीन बातें देखी, वो तीन बातें मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ। मैंने जिस क्रम में देखा, अब उस क्रम में नहीं, जिस क्रम में हमें समझना चाहिए उस क्रम में मैं आपको समझाना चाहता हूँ। पहली बात, हम में से हर व्यक्ति ने प्रभु यीशु के द्वारा एक नया जीवन, एक नई आशा, मुक्ति पाया है। नंबर दो, उस मुक्ति के बारे में मेरी और आपकी अभिलाषा होनी चाहिए कि सारे लोग उसको जाने, सारी दुनिया के लोग जाने, लेकिन सारी दुनिया के लोगों को सुनाना मेरे आपके वश की बात नहीं है। और इसलिए मेरे और आपके वश की बात क्या है? अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को और अपने गांव वालों को सुनाएं। यदि इतना हमने कर दिया तो प्रभु ने हमारे लिए जो जिम्मेदारी रखी है वो हमने पूरी कर दी। हाँ, यदि प्रभु हमको सामर्थ देते हैं तो इससे ज़्यादा लोगों को सुना सकते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम इतने लोगों को इसके बारे में बताना हमारी जिम्मेदारी है। तीसरी बात, मेरे और आपके मन की अभिलाषा और मेरे और आपके मन की प्रार्थना हर दिन ये होनी चाहिए कि प्रभु, इस संसार में एक लक्ष्य के साथ आपने मुझे रखा है और वो लक्ष्य ये है कि मुझे जो नया जीवन मिला है वो नया जीवन मैं अपने लोगों को सुनाऊं। मुझे आपने जिस समाज में रखा है उस समाज में और कोई आकर ये संदेश नहीं सुना सकता। क्यों? इसलिए कि दूसरे लोग वहां पहुंच नहीं सकते, और कोई दूसरा आ जाएगा तो लोग कहेंगे ये कौन है, क्या सुना रहा है, क्या बोल रहा है। जरूरत इस बात की है कि जो उस गांव में पैदा हुआ है, जिसको उस गांव के लोग जानते हैं, जिसको उस परिवार के लोग जानते हैं, जिसको उसके दोस्त लोग जानते हैं, वो व्यक्ति जाकर ये संदेश उनको सुनाए। इसलिए तीसरी बात यह है कि मेरे और आपके मन की प्रतिदिन अभिलाषा ये होनी चाहिए कि मुझे और आपको जो नया जीवन मिला है, ये नया जीवन मेरे और आपके नाते रिश्तेदार और परिवार के लोग जान सकें। इन तीनों बातों के साथ मैं आपको आज छोड़ना चाहता हूँ। फिर से याद रखें, हमको प्रभु के द्वारा गिफ्ट के रूप में, वरदान के रूप में नया जीवन मिला है। इस नए जीवन के बारे में मेरे और आपके लोगों को जानना चाहिए। तीसरी बात, वे लोग इस बात को जानें उसके लिए हम प्रार्थना करें, और जब प्रभु हमको मौका देते हैं तब जाकर ये संदेश उनको दें। इन बातों को जानने के लिए प्रभु हमारी मदद करें। यदि आज इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा इस नए जीवन को नहीं पाया है, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इस सभा के बाद मुझसे या कोई व्यक्ति जो आपको इस संदेश के डिटेल्स बता सकता है उस व्यक्ति से संपर्क किए करें, जिससे कि इस संदेश के डिटेल्स आपको बताए जा सके। आज से बहुत साल पहले मेरे पिताजी ने यह संदेश मुझे दिया था, तब मैंने प्रभु के द्वारा इस नए जीवन को पाया था। तब से आज तक मेरी इच्छा रही है कि जो भी मुझसे संपर्क में आए उसको मैं यह संदेश दे सकूं। तो इस सभा के बाद मैं यहाँ उपलब्ध हूँगा और भी कई लोग उपलब्ध होंगे, उनमें से किसी भी व्यक्ति को बुलाकर उनसे आप पूछ लीजिए, वो ये संदेश आपको देंगे।